साथ विजय यादव। बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र के सरसोहा गांव में सजायाफ्ता बंदी ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर खुद को जिंदा फूंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही घर वालों में कोहराम मच गया। घर वालों का कहना कि कोरोना की वजह से जेल प्रशासन ने उसे 2 माह के पैरोल पर छोड़ा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरसोहा गांव निवासी 60 वर्षीय जौहरी पुत्र भोली ने बुधवार की रात लगभग 3 बजे अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा लिया। परिवार के लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। आग लगते ही आग का गोला बन गया। वह जलता हुआ कमरे से बाहर भागा। शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे घर वालों ने जब तक आग बुझाई तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था। पुलिस को सूचना फोन पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान गुरुवार की रात उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही घर वालों में कोहराम मच गया। मृतक के पुत्र प्रदीप ने बताया कि उसके पिता को दुष्कर्म के मामले में 7 वर्ष की सजा हो चुकी थी। 5 साल की सजा काट चुका था। कोरोना वायरस के चलते उसे 2 माह की पैरोल पर जेल प्रशासन ने छोड़ दिया था और 28 तारीख को 5 बजे उसे फिर वापस जेल जाना था। इसी चिंता भय के कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहता था। वो लोग 3 भाई बहन है। तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। बांदा से ब्यूरो उमेश यादव की रिपोर्ट। मतलब क्या नाम है आपका? लीला। कहाँ रहती है? सरसोहा। अच्छा, जिन्होंने आग लगा के आत्महत्या कर ली वो कौन है आपके? पति। पति हैं? हाँ। क्यों आग लगा ली? वो साहब यह आग लगा लिया कि मुझको छाड़ गए हैं तो मुझको छाड़ेंगे नहीं, दोबारा ले जाएंगे। तब मैं समझाती थी कि नहीं, कुछ न कहेंगे तुम्हारे, कुछ न कहेगी, लेवा जाएंगे तो तुम्हें कुछ न कहेगी, आओ नहीं कुछ मुझसे कहे। उनतीस तारीख की 3 बजे कहे से आग लगा ली है? मिट्टी के तेल से। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम सो रहे थे। सभी लोग? हाँ। कोई बीमारी थी क्या उनको? हाँ, नहीं बीमारी थी, कुछ नहीं। कुछ नहीं था? हाँ, सिर्फ डर के मारे उन्होंने आग? हाँ, आग लगा लिया है डर के मारे। उनको डर यही थाने के जाने के लिए कि पुलिस पकड़ ले जाएगी। हाँ, दोबारा ले जाएगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा जी। कहाँ रहते हैं? अच्छा, मृतक आपका कौन है? मृतक कौन है आपका? पिताजी है। अच्छा, क्या घटना हो गई है? घटना हो गई, वही खत्म हो गए, मतलब जेल से आए हैं, 2 महीने के लिए छुट्टी हुई थी, तो उसके बाद बोल रहे हैं मेरे को दोबारा ले जाएंगे तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं उधर से। इस तरह में तेल डाल के आग लगा ली उसकी। इस तारीख की है, 29 तारीख की 3 बजे रात की। उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सो रहे थे जी, खाना वाना खा के सो रहे थे। घर में कौन कौन था? मैं था, मेरी माँ थी सर, और पिताजी थे। तो क्या मौके पे ही मौत हो गई उनकी? नहीं, यहाँ पे लाने के बाद यहीं पे, मतलब एक दिन भर्ती थे, रात में ले आए, 3 बजे लेके आए, सुबह 4 बजे मौत हो गई थी, शाम को 4 बजे के टाइम। क्या समस्या थी, क्यों ऐसा किया, कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है।